वेलकम टू इंग्लिश ऑल। फाइनली एक अच्छी न्यूज आप सबके लिए, जितने भी लोग एस्पिरेंट्स हैं जो बीएलएड और बीएमएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आज डीयू ने अपना जो नोटिफिकेशन है, डेट की जो शेड्यूल है वो दे दी, आप सब तक पहुंच गई होगी। जो नहीं पहुंची हुई है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक दे देंगे जहां से आप जो डेट शीट है उसको देख सकते हो और आपका एग्जाम किस टाइम पे पड़ा हुआ है, किस डेट को पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो DUET के जो एग्जाम होने वाले हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कंडक्टिंग बॉडी है वो ये टेस्ट और वो ये एग्जाम कंडक्ट करेगी। जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से ये जो एग्जाम होने वाले हैं ये 3 शेड्यूल में होने वाले हैं, 8 से 10, 12 से 2 और 4 से 6, यानी जितने भी एग्जाम होंगे वो इन्हीं तीनों स्लॉट्स में होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट के प्रोग्राम, अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो ये इन 3 स्लॉट्स के बीच में होंगे। तो आप जो डेट रह गई है, DU ने बहुत पहले बता दिया था, इनफैक्ट NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत पहले ये बता दिया था कि 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में सारे एग्जाम हो जाएंगे। अब फाइनली आज उसकी डेट शीट आ चुकी हुई है। हम बात कर रहे हैं BLED की और BMS की। तो दोस्तों BLED का जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो कंडक्ट होना है 10 सितंबर को, जी हां 10 सितंबर को, और BMS का जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो 7 सितंबर को होना है। इसका मतलब है अगर मैं BMS की बात करूं तो आपके पास तैयारी के लिए लगभग 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, और अगर मैं BLED की बात करूं तो तकरीबन आपके पास 16 से 18 दिन बचे हुए हैं। ये बहुत कम समय है जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे पेपर क्लियर किया जाए। लेकिन हम, जैसा कि मैंने कहा था कि UG एंट्रेंस एडमिशन में, UAT में यानी यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में, हम आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि पेपर क्लियर ना हो जाए और जब तक कि आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज ना मिल जाए। इसी सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी खबर है कि 15-day चैलेंज हम ले रहे हैं BMS के लिए, कि 15 दिनों में वो सारी चीजें हम अवेलेबल कराएंगे अपने बच्चों के लिए अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से बच्चा सीख सकता है, जिसमें हम इसको मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, क्विज देंगे। और अगर बच्चा हमारा जो मॉक टेस्ट वेबसाइट पे है वो अलग से ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, क्लासेज लेना चाहे तो क्लासेज ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कौन सा ये नंबर है। रही बात BLED की, तो उसके लिए हम मानते हैं 20-day चैलेंज हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, और आप दोनों ही कॉम्पिटिशन के लिए जितना बेनिफिट ले सकते हो इस चैनल से ले सकते हो। इस वीडियो को जितने भी है जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, कि बहुत ज़्यादा मास ऑडियंस जुड़े और बहुत से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए, तो इनबॉक्स में आप फ्रीली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप जवाब दे जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें अभी भी क्लियर नहीं है, और जो बच्चे हमें आज पूछ रहे थे कि इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, देखिए अभी तक इस बारे में कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है कि इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। लेकिन जैसा कि उम्मीद किया जाता है कि एग्जाम जिस डेट को होता है उसके 15 दिन पहले आपको उसके एडमिट कार्ड की डिटेल आ जाती है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि ठीक 15 दिन पहले, यानी अगर आज 21 तारीख है तो मेरा मानना है कि आपका 23-24 तारीख तक आपको इसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस 15-day चैलेंज और 20-day चैलेंज के लिए हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे वो चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच।